अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू कोर्स एडिक्स। आज के इस वीडियो में हम रेफरेंसेस टैब के बारे में पढ़ते हैं कि व्हाट इज रेफरेंसेस टैब। सबसे पहले यहां पे रेफरेंसेस टैब का मीनिंग जो है वो जाने कि रेफरेंस का मतलब क्या है। लेकिन नॉर्मली रेफरेंसेस जो है ये हवाले को हम कहते हैं। हवाला का मतलब यहाँ पे ये है कि लेट सपोज अगर आपने कोई टॉपिक या किसी टॉपिक को एक्सप्लेन किया हुआ है मगर वो टॉपिक जो है आपने किसी और जगह से कॉपी किया हुआ है। लेट सपोज आपने किसी और बुक से कुछ टॉपिक्स जो है वो कॉपी की है और अपने बुक में ऐड की है, तो यहाँ पे हम लगाते हैं रेफरेंसेस कि मैंने ये चीज इस बुक से उठाई, तो इसी का मतलब है रेफरेंसेस। स्पेशली इस्लामिक बुक्स में भी ये हम ज्यादातर यूज करते हैं। जैसे हम कोई हदीस वगैरह जब अपने बुक में लिखते हैं तो फिर हम वहां पे रेफरेंस देते हैं कि ये हदीस नंबर है इस जुल्द में है और यहाँ पे इस किताब में मौजूद है। तो यहाँ पे भी हम जब भी टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करते हैं या इसी तरह मजीद और चीजें हम क्रिएट करते हैं तो इस जगह पे हम यूज करते हैं रेफरेंसेस टैब। तो आ जाते हैं इसके लिए जो है इसी पे काम करते हैं और इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। तो एग्जाम्पल देने के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट है। टेबल ऑफ कंटेंट का मतलब या TOC का मतलब फहरिस्त ही है। जब भी हम बुक ओपन करते हैं तो उस बुक में अगर हम देखें तो इस बुक में हमें मिलता है टेबल ऑफ कंटेंट जिसको हम फहरिस्त कहते हैं। तो टेबल ऑफ कंटेंट जो है हमारे साथ हेल्प क्या करता है, हेल्प ये करता है कि जब भी हम एक टॉपिक ढूंढते फाइंड करना चाहते हैं अगर एक बुक जो है लेट सपोज उसका साइज जो है वो बहुत ज्यादा 100,000 या इसी तरह डिफरेंट पेजेस हो, अब उसमें एक स्पेसिफिक टॉपिक ढूंढना जो है वो मुश्किल पड़ जाता है। तो मैं क्या करता हूँ टेबल ऑफ कंटेंट पे आता हूँ और टेबल ऑफ कंटेंट में वही चीज जो है मैं इजीली फाइंड कर सकता हूँ क्योंकि टेबल ऑफ कंटेंट में मुझे वो टॉपिक और उसके साथ साथ जो है उसका पेज नंबर ये मुझे शो होता है। तो इसी वजह से जो है हम क्या करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करते हैं ताकि हमारे साथ जो है किसी भी कंटेंट या किसी भी टाइटल या किसी भी हेडिंग को फाइंड करने में आसानी हो। तो आ जाते हैं इस पे प्रैक्टिकली काम करते हैं। तो प्रैक्टिकली काम करने के लिए मैं एक छोटा सा बुक क्रिएट करता हूँ और उस पे ये अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि व्हाट इज नेटवर्क, ये एक हेडिंग है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि टाइप्स ऑफ नेटवर्क जैसे लैन वैन और मैन मैंने लिख दिया, इसी तरह यहां पे मैं लिखता हूं कि ट्रांसमिशन मीडिया, ट्रांसमिशन मीडिया के टाइप्स मैं लिखता हूं कि वायर मीडिया एंड वायरलेस मीडिया और इसी तरह मजीद और भी मैं इसके बाद लिखना चाहता हूं। तो चलो मैंने यहां पे कुछ हेडिंग्स लिख ली, कुछ सब हेडिंग्स हैं। तो मैं हेडिंग पे हेडिंग 1 अप्लाई करता हूं और सब हेडिंग पे हेडिंग 2 अप्लाई करता हूं ताकि हमारे साथ जो है ये हेडिंग्स और सब हेडिंग जो है ये बन जाए। जब तक मैं यहाँ पे हेडिंग्स अप्लाई ना करूं मैं टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट नहीं कर सकता। ये याद रखें कि अगर टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करना हो तो मैन्युअली क्रिएट करना होगा और मैनुअल जो है वो बहुत टाइम लेता है। तो चलो मैं यहाँ पे जो हेडिंग्स है उसको सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल प्रेस किया मैंने, यहाँ इसको भी सिलेक्ट किया और इसमें मैं हेडिंग अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ से एड टाइटल एड टेक्स्ट और लेवल 1 को मैं अप्लाई करता हूँ। ये कंट्रोल आल्ट 1 के थ्रू भी मैं अप्लाई कर सकता हूँ जिसको हेडिंग 1 कहते हैं। यहाँ पे मैं सिलेक्शन करता हूँ सब हेडिंग का और इस पे मैं हेडिंग 2 अप्लाई करता हूँ जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल आल्ट 2 है। तो ये हेडिंग 2 मैंने अप्लाई कर दिया और मजीद जो है यहाँ पे कुछ लिखाई करना चाहता हूँ, जैसे ये लिखाई है और यहाँ पे मैं कुछ ज्यादा लिखाई करना चाहता हूँ जैसे 45 पैराग्राफ इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो ये 45 पैराग्राफ इंसर्ट हो गए, मैं इसी को सेलेक्ट करता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे डिफरेंट जगहों पे मैं पेस्ट करना चाहता हूँ ताकि एक बुक जो है वो क्रिएट हो जाए। अब इसके बाद जो है यहाँ पे मैं आता हूँ और टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करना चाहता हूँ। एक न्यू पेज पे मैं आ गया हूँ और यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट को क्रिएट करना है। तो आसान तरीका ये है कि आप जस्ट क्लिक ऑन टेबल ऑफ कंटेंट, जस्ट यहाँ पे क्लिक कर दे। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखिए कंटेंट्स लिखा हुआ है, अगर इस पे क्लिक करना है तो भी ठीक है, अगर इस पे क्लिक करना है तो भी ठीक है, ऑटोमेटिक टेबल 2 या ऑटोमेटिक टेबल 1 जिस पे भी क्लिक करना हो इजीली क्लिक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट जो है ये क्रिएट हो चुका है। ये रहा टेबल ऑफ कंटेंट, कहता है कि व्हाट इज नेटवर्क, कहां पे है, पेज नंबर 1 पे।
इसी तरह टाइप्स ऑफ नेटवर्क पेज नंबर 4 पे लैन मैन वैन हर एक का पेज जो है वो मालूम है, इजीली आप किसी भी टॉपिक को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कोई न्यू टॉपिक अगर ऐड कर दूं, लेट्स सपोज आईपी, ठीक है, और आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6 मैंने ऐड कर दी। देखिए जो हेडिंग है उस पे मैं हेडिंग ही अप्लाई करता हूँ कंट्रोल आल्ट 1, और जो सब हेडिंग है उस पे मैं सब हेडिंग ही अप्लाई करता हूँ कंट्रोल आल्ट और इसी तरह 2। तो यहाँ पे मैंने इसको ऐड कर दी। मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि ऐड हो चुके हैं कि नहीं। देखिए अब यहाँ पे ऐड नहीं हुए अभी तक, मैं इसी को अपडेट करता हूँ और अपडेट एंटायर टेबल। ओके, आप देख सकते हैं आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6 दोनों आ गए और ये रहा इसका हेडिंग। तो मतलब कि आप इजिली किसी भी टॉपिक को ऐड कर सकते हैं। सो दिस वॉज द वर्क ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट। आ जाते हैं यहाँ पे एक दूसरा टॉपिक है, इसको भी डिस्कस करते हैं, इंसर्ट फुटनोट और इंसर्ट एंड नोट, दोनों का काम क्या है। इंसर्ट फुटनोट और इंसर्ट एंड नोट जो है ये काम करता है कि जब भी किसी भी टॉपिक के बारे में अगर कुछ मजीद एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिखना चाहते हो तो इजीली लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे डिफरेंट वर्ड्स है, आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट वर्ड्स है। अब लेट सपोज इन वर्ड्स के बारे में लोगों को पता नहीं है, या चलो यहाँ पे एक ऐसा वर्ड आ जाए कि उसके बारे में लोगों को पता ना हो, तो कैसे हम लोगों को समझा सकते हैं। जैसे कीवर्ड का वर्ड है तो इसके बारे में मजीद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐड करनी है, तो ऐड करने के लिए आप यहाँ पे कीवर्ड के आखिर में क्लिक कर दे और कंट्रोल आल्ट और एफ प्रेस कर दे ताकि फुटनोट इंसर्ट हो जाए, या यहाँ पे क्लिक करके आप इजीली फुटनोट इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ कि बिल्टन वर्ड, ठीक है, और या प्री डिफाइन वर्ड को कहते हैं कीवर्ड, ये मैंने लिख लिया। अब अगर मैं यहाँ पे आ जाऊं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कीवर्ड के साथ जो है, जैसे मैं इस पे माउस लेकर आता हूं तो यहाँ पे मुझे शो भी होता है कि बिल्टन वर्ड और प्री डिफाइंड वर्ड, तो इजीली मैं इसको समझ सकता हूँ कि ये इसका मीनिंग है। और इसी तरह इन नोट का भी काम, मगर ये याद रखे दोनों में फर्क सिर्फ ये है कि फुट नोट जैसे मैंने इंसर्ट कर दिया तो इसी पेज में इंसर्ट हो चुका है, ये आप देख सकते हैं इसी पेज में है। अगर मैं कोई और फुट नोट जो है इंसर्ट करना चाहता हूं तो कर सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ये फुटनोट, तो ये आप देख सकते हैं सेकंड फुटनोट भी ऐड हो चुका है। जैसे मैं लिखता हूं कि एमएस वर्ड फाइल, ये फुटनोट है, तो मैंने फुटनोट को इंसर्ट कर दिया मगर ये यहां पे इंसर्ट हो चुका है इसी पेज में। और जैसे मैं इन नोट पे क्लिक करता हूं तो इन नोट जो है मुझे लेके जाता है लास्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के आखिरी पेज पे मुझे लेके जाता है, वहां पे मैं इन नोट जो है ये इंसर्ट कर सकता हूं। तो दोनों में सिर्फ ये फर्क है, जैसे मैं ये पावरफुल वर्ड है इस पे क्लिक करता हूं और एंड नोट पे क्लिक करता हूं इंसर्ट एंड नोट, तो आप देख सकते हैं मुझे इसने यहां पे लेकर आया द पर्सन और द वन हु हैज पावर, उसको हम पावरफुल कह सकते हैं। देखिए ये बुक का आखिर पेज था, तो यहां पे आप देख सकते हैं सेम काम है इसका, मगर जगह जो है वो चेंज है, जस्ट फुट नोट जो है वो इसी पेज में इंसर्ट होता है और एंड नोट जो है बुक के आखिर में इंसर्ट होता है। तो वीडियो इतना ही, कीप वॉचिंग अस, अल्लाह हाफिज़।